ये हमारा गांव का मेन एंट्रेंस है, दिखाइए थोड़ा इधर आगे तक। हमेशा बारिश में ऐसा ही रहता है। एक डेढ़ महीने पहले मैं इसी से एक्सीडेंट किया था, आज तक मेरा जख्म ठीक नहीं हुआ है। हर चीज़ का इसी में प्रॉब्लम, सबसे ज़्यादा रोड का रहता है, हमेशा रहते पूरा गाँव में चारों तरफ से यार। आज से नहीं, हमेशा, यानी जब से समझ लीजिए कि मेरा ज्ञान है तब से ये रोड का हालत ऐसा है। आज तक कभी इसका कुछ भी कोई फंड संड नहीं आता है। नमस्कार साथियों, मैं सरोज कुमार रवानी और आप देख रहे हैं इंडियन हर्ड। और आज हमें जिला चतरा प्रखंड इटखोरी ग्राम पंचायत टोना टाड़ के ग्राम चक्रवार में, यहाँ 200 घरों के लगभग 1200 लोग निवास कर रहे हैं। यहाँ का कच्चा सड़क बहुत ही खराब है, जिससे आने जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आइए देखते हैं ग्राम चक्रवार से एक रिपोर्ट। बहुत तरह की दिक्कत है, कम से कम 2 किलोमीटर तक ले बस्ती लंबा चौड़ा है, उसमें 3 साइड में रोड है, तीनों साइड जो है से खराबे है। कोई भी बीमार पड़ता है, बच्चा चाहे बड़ा आदमी हो, तो उसको डॉक्टर नहीं आने सकता, गाड़ी नहीं घुस सकता है, उसको पक्की रोड पर ले जाकर के हम लोग ठीक करके उसको ले जाना पड़ता है गाड़ी। कितना दिन से रोड खराब है? ये कम से कम हमारा 2000 के पहले से ऐसा है, रोड खराब है। तो आप लोग इसकी सूचना किसी को दी? बहुत कुछ दिया है, गाँव वाला सब मिल के पूरे दिया है, विधायक के, विधायक के, मुखिया फंड से सब, वो प्रमुख जब इलेक्शन के समय होता था सब कहता है वोट लाइए, हम अभी रोड बना देंगे, ये बना सब, आज तक ले बनते ही रह गया है। यही तो स्थिति है, बहुत तक दिक्कत है हम लोगों का रोड में। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग के रोड बनना चाहिए। समस्या है रोड के, इस रोड का करीब हम लोग का आबादी कम से कम 1200 प्लस है मेरा गाँव का, और उसमें से हर 3 कोना का रोड है, 3 कोना का एक पीच रोड है, मेन रोड। उसमें हम लोग का किसी तरह तबीयत खराब हुआ था इमरजेंसी में तो एम्बुलेंस मिलाना भी मुश्किल है, गोदी में उठा कर करके भेजना पड़ता है पीच रोड, उसके बाद ही एम्बुलेंस वहां से चलता है। कम से कम वहां एम्बुलेंस करने के लिए कम से कम लोग ज़्यादा अधिकतर यदि भाड़ा लेता है। और उसके बाद हमारा गाँव 3 कोना में आना जाना व्यस्त हो जाता है, खास करके बरसातों में, और गर्मी में तो ठीक है किसी तरह से चलता है गढ़ा नाला कर करके, लेकिन बरसातों में आना जाना जानवर हो आदमी हो किसी तरह से। और इस समस्या को करते धरते कितना बार विधायक को दिया गया कि वोट दो हम रोड बनाएंगे, मुखिया आएगा हम रोड बनाएंगे, संसद आया हम वोट बनाएंगे, लेकिन कोई अभी तक रोड नहीं बना पाया। इसी तरह गाँव वाला के चुल बुला करके ठग ठूक कर करके वोट लेता है, चल देता है, गांव वाला जस के तस पड़ा हुआ। यह सड़क कब से खराब है? ये बहुत दिनों से है, जिला परिषद से भी कहा गया है, उस जिस समय दिलीप साहु जी थे भी उस समय कहा गया, बोला हाँ PCC रोड बनेगा, ये बनेगा वो बनेगा, हर जगह ठग ठूक करके चल गया यार, क्या अपना वोट लिया अपने चल दिया। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि हर कोना हर दिशा में PCC रोड से पिच रोड तक हम लोग का आवागमन सही होना चाहिए। मैंने इस समस्या के समाधान के लिए समुदाय के साथ बैठक कर एक आवेदन बनाया और पंचायत के उप मुखिया से मिलकर समस्या पर बातचीत की। ये हमारे गांव में चक्रवार में रोड खराब है, वो हम लोग भी देखे हुए हैं, इनका लिए आवेदन मिला हुआ आपका थ्रू से, इनका कल दे करके ग्राम सभा में मुखिया जी के सामने बात विचार किया जाएगा और रोड बनाने का प्रयास करेंगे। आगे मैं पंचायत के मुखिया और प्रखंड विकास पदाधिकारी से मिलकर इस समस्या का समाधान करने का प्रयास करूंगा। अगर आप लोगों के पास इस समस्या के समाधान करने के लिए कोई तरकीब है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। मैं जल्द ही इस पर बदलाव लाकर आप सबों को अपडेट करूंगा। मैं सरोज कुमार रवानी, झारखंड चतरा से, इंडिया अनहर्ड के लिए।